हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए आज मैं एक फेशियल बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी है और आप घर पे उसको कर सकते हो। टमेटो फेशियल, जो आपने सुना ही होगा टमेटो फेशियल के बारे में, और वो काफ़ी असरदार होता है। और अगर आप उसको वंस अ वीक करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। स्किन ब्राइटनिंग भी करता है, टाइटनिंग भी करता है, जितने भी पिगमेंटेशन है आपके स्किन पे तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो। तो मैं भी आजकल क्या करती हूँ, घर पे ही फेशियल करती हूँ। पार्लर तो कम ही हो गया है थोड़ा सा जाना। पहले हाँ रेगुलरली जाती थी तो पार्लर में फेशियल हो जाता था, लेकिन आजकल क्या कर रही हूँ, नेचुरल इन्ग्रीडियंट से ही फेशियल कर रही हूँ। तो ये वाला मैं आपको बताऊँगी कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, और बहुत ही ईजी है। 30 मिनट्स में आपका ये फेशियल हो जाता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक टमाटर चाहिए जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। एक टमाटर एक फेशियल के लिए बहुत होता है, तो इसमें आपका क्लींजिंग भी हो जाएगा और पैक भी बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्क्रब भी हो जाएगा। तो एक टमाटर सफिशिएंट होता है एक फेस के लिए। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है 2 चम्मच, 2 से 1.5 चम्मच। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे एक टमाटर का, एक जो प्यूरी है टमाटर का 1 चम्मच। तो ये हमारा रेडी हो गया क्लींजिंग, जो फर्स्ट स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे चीनी लिया है 1 चम्मच, उसमें फिर से मैं 1 चम्मच टमाटो प्यूरी डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 नींबू। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा है स्क्रब। अब थर्ड स्टेप है पैक बनाना है, तो हम उसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, और हम उसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून हनी, और 1 टेबलस्पून हनी इसमें हम ऐड करेंगे, वही सेम टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून, मतलब सब में 1-1 चम्मच लेना है, क्वांटिटी सेम है बस। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, जो मैंने क्लींजिंग बनाया हुआ था जो मिल्क से। तो 1 टेबलस्पून मिल्क और 1 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी लिया था, तो उससे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लींजिंग। तो इसको आप चाहो तो कॉटन से भी लगा सकते हो, हाथ से भी आप इजीली मसाज कर सकते हो, बस 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। पहले अच्छे से इसको लगा लेना है। अभी सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने चीनी लिया था 1 चम्मच और 1/2 नींबू लिया था, और उसको 1 चम्मच टमाटो प्यूरी से पेस्ट बना दिया था, पेस्ट टाइप। बट उसमें मैं क्या करूँगी, अभी जब मैं स्क्रब करूँगी उसमें 1/2 टमाटर, मतलब कि 1 स्लाइस टमाटर का, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, 1 स्लाइस टमाटर का लेके उसको रब करना है। तो ये जो मैंने स्क्रब बनाया हुआ था इसमें मैं क्या करूँगी, 1 स्लाइस लूँगी टमाटर का, तो आपको इजी रहेगा, उसको जस्ट ऐसे मसाज करना है। तो इसी में डिप करके हल्के हाथों से मसाज करना है 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तो नहीं, 5 मिनट्स में आपको पता चल ही जाएगा, स्किन बहुत ही जल्दी क्लियर दिखने लगती है। अगर आपके स्किन पे ज़्यादा दाग धब्बे हो तो आप इसको 10 मिनट्स कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है तो 5 मिनट्स बहुत होते हैं। और हाँ, ये फेशियल करने के टाइम कपड़े बहुत गंदे होते हैं, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना।
अच्छे से नैपकिन से क्लीन कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमारे दो स्टेप हो गए हैं, अब लास्ट स्टेप बचा है हमारा पैक। तो मैंने क्लींजिंग कर लिया, स्क्रबिंग कर लिया, अब जो लास्ट स्टेप है वो है पैक। तो पैक आप देख सकते हो, ये जो मैंने बनाया था। पैक लगा लिया, अब इसको हम 15 टू 20 मिनट्स रखते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई होके स्किन जब तक खींचने नहीं लगती, पता चल जाएगा आपको जब वो ड्राई होने लगेगा। उसके बाद आपको उसको हल्के हाथों से मसाज करके फिर वॉश अप करना है। सो जो मैंने पैक लगाया था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, स्किन टाइट होने लगी है थोड़ी सी। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से पहले मसाज करूँगी, और अगर ज़्यादा ही आपको, आप देख सकते हो कि स्किन कितनी खिंच रही है, तो थोड़ा सा पानी लेके आप इसको इस तरह से 2 मिनट्स मसाज करके उसके बाद फेस वॉश करना है आपको। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप और थोड़ा पानी लेके इसको रब करना है थोड़ा सा। मैंने अपने फेस को क्लीन कर दिया है और कितना फर्क लग रहा है पहले जो आपने देखा था, सिर्फ 3 स्टेप में और इंस्टेंट ग्लो आ जाती है स्किन पे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना टमाटो फेशियल घर पे, और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, वीकली एक बार तो मैं अब आजकल ऐसा हो गया कि रेगुलर हो गई हूँ, ये एक बार करना ही है मुझे, क्योंकि रेगुलर हम फेशियल करने के लिए पार्लर नहीं जाते, तो घर पे करना काफ़ी अच्छा रहता है। और 30 मिनट्स सबके पास होते हैं, तो 30 मिनट्स में आप अपनी स्किन को अच्छे से लाइटन और ब्राइटन कर सकते हो। और इसके बाद एक और चीज़ है कि बाद आप ये टोनर यूज़ करें, कोई भी टोनर हो। मैं तो यही गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ, जो गुलाबरी आता है वो एज अ टोनर ही काम करता है। तो जस्ट आपको स्प्रे करना है और इसको अपने आप सूखने देना है, ना कि इसको वाइप ऑफ करना है, ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये स्किन पे अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर और क्रीम लगा सकते हो। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे हो, तो लाइक जरूर करना एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस टमाटो फेशियल का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।